नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और अभी हम लोग आए हैं जीवदानी मंदिर, और ये मैं दूसरी बार आ रहा हूँ शबनम शेख के साथ, क्योंकि शबनम शेख का डिमांड था कि एक बार और जीवदानी मंदिर चलते हैं, तो इसलिए आए हैं। कैसा लग रहा है शबनम? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा प्लानिंग ये था कि हम पहले दूसरे मंदिर में जाए जो कि नायगांव में है। जीवदानी मंदिर शाम को आना था मुझे, क्योंकि मैं दिन में घूमी हूँ, मुझे रात को घूमना है, क्योंकि रात को ना बहुत ब्यूटीफुल लगता है। मेरे बिल्डिंग से पूरा दिखता है, मतलब इतना छोटा सा ही दिखता है लेकिन बड़ा मस्त लगता है, एकदम लाइटिंग शाइटिंग लाइक वाव, मजा आ जाता है। और ये जीवदानी मंदिर विरार में है। विरार में है, खैर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को पता है। एंड चलिए देखते हैं। सोचा था केवल कार से जाऊंगा, लेकिन फिर मैंने प्लान बदल लिया, मैंने कहा इनको ले चलते हैं, अभी सीढ़ी से चलते हैं और वहाँ से देखते हैं, हो सकता है तो केवल कार से नीचे आएंगे, नहीं तो पैदल ही आ जाएंगे। क्या पैदल आने अच्छा, जाने में मतलब काफ़ी मेहनत लगती है, उतरने में थोड़ा मज़ा आता है, तो दोनों ही इंजॉय करते हुए जाएंगे। चलो सही है, रास्ते का भी कुछ कुछ सीन आप लोगों को दिखा देंगे। तो गाइस अभी हम लोगों का प्लान चेंज हो गया है, पैदल जा रहे थे ऊपर, अभी ये बोली है कि केबल कार से जाएंगे, तो आप मेरे पीछे आप लोगों को पता नहीं दिख नहीं रहा केबल कार कितना स्लो चल रहा है, इससे फास्ट हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ये केबल कार से जाएगी, तो अभी वापस से हम लोग नीचे जा रहे हैं, फिर